हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। मैं हूं नंदिनी किंड्रा आपके साथ और सीधा रुख करेंगे सुपर फास्ट 100 का। मोदी मंत्रिमंडल में मंत्रालयों का बंटवारा हो गया। अमित शाह को गृह मंत्रालय और एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। इसके अलावा राजनाथ सिंह को रक्षा, निर्मला सीतारमण को वित्त, नितिन गडकरी को परिवहन, नितिन नरेंद्र तोमर को कृषि और पंचायती राज मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा सदानंद गौड़ा को रसायन एवं उर्वरक, पीयूष गोयल को रेल, धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम, रविशंकर प्रसाद को कानून, स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला है। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य, रमेश पोखरियाल निशंक को मानव संसाधन विकास, मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय मिला है। प्रहलाद जोशी को संसदीय मामले समेत कोयला और खान मंत्रालय सौंपा गया है। महेंद्रनाथ पांडे को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। अरविंद सावंत को भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय का कार्यभार गिरिराज सिंह को सौंपा गया है। इस बार जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार संतोष गंगवार को मिला है। बता दें कि गुरुवार शाम 7 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के 57 सहयोगियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। आज यानी शुक्रवार को मोदी कैबिनेट की पहली बैठक है। केंद्र सरकार की कैबिनेट से हरियाणा को तीसरी खुशी मिली है। बता दें कि राव इंद्रजीत को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला है, जिन्हें सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन और नियोजन मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। वहीं कृष्णपाल गुर्जरों को राज्य मंत्री का पदभार दिया गया है, जिसमें उन्हें सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग मिला है। वहीं रतनलाल कटारिया को जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण दिया गया है। दिल्ली में शपथ ग्रहण के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का बड़ा बयान सामने आया है। रतनलाल कटारिया ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया गया है, भारत को महान राष्ट्र बनाने के लिए काम करूंगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा क्षेत्र में नए उद्योग की स्थापना करूंगा, साथ ही जो उद्योग पहले से चल रहे हैं उनको जो सुविधाएं चाहिए वो दूंगा। इस दौरान 2019 विधानसभा चुनाव को लेकर कटारिया ने कहा कि पहले हम सब 70 सीट की बात कर रहे थे, लेकिन लोकसभा में जिस तरह 10 की 10 सीट हमने जीती है, तो अब मुझे लगता है कि विधानसभा में 80 सीटें हम जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में देश में तीसरे नंबर पर रहे कृष्णपाल गुर्जर ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद फरीदाबाद अपने कार्यालय पहुंचे, जहां लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और मंत्री पद मिलने पर बधाई दी। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जिस तरह मोदी जी ने और खट्टर जी ने सबका साथ सबका विकास किया है, वैसे ही मैं फरीदाबाद के गाँव शहर कॉलोनियों का समान विकास सदैव करता रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ लेते ही देशभर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। अंबाला में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगहों पर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। इस दौरान कई कार्यकर्ता ढोल की थाप पर थिरकते हुए भी नजर आए। अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया को कैबिनेट में जगह दिए जाने के बाद अंबाला में बीजेपी कार्यालय के बाहर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सूझबूझ के साथ अपना मंत्रिमंडल चुना है। हर वर्ग की हिस्सेदारी हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है, लेकिन इस बार कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है जो पिछली सरकार में। 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी, तो सुषमा स्वराज को विदेश मंत्रालय सौंपा गया था, लेकिन इस सरकार में सुषमा शामिल नहीं हुई। हालांकि उन्होंने सेहत का हवाला देकर पहले ही मना कर दिया था। पिछली सरकार में अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, लेकिन इस सरकार से वो बाहर हैं।
हालांकि खुद अरुण जेटली ने सेहत का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर मंत्री पद की जिम्मेदारी न देने की अपील की थी। महेश शर्मा एक बार फिर उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर सीट से चुनकर संसद पहुंचे हैं। पिछली सरकार में महेश शर्मा केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय थे मंत्री थे, लेकिन इस बार इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। पिछली सरकार में इनके अलावा सुरेश प्रभु को पहले केंद्रीय रेल मंत्री बनाया गया था, बाद में उन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया, लेकिन अब नई सरकार में सुरेश प्रभु को जगह नहीं मिली है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में नड्डा स्वास्थ्य मंत्री थे, इस बार उनका नाम भी मंत्रियों की सूची में शामिल नहीं। हालांकि इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वे अमित शाह के स्थान पर बीजेपी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। पूर्व ओलंपियन और खेलवा सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सफलतापूर्वक कार्यभार संभालने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया गया है। इस बार मेनका गांधी सुल्तानपुर लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंची। पिछले चुनाव में मेनका पीलीभीत से जीत कर आई थी और उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस सरकार में मेनका गांधी को जगह नहीं मिल पाई है। पिछले 5 साल में जयंत सिन्हा ने पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और बाद में केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला था, लेकिन उन्हें भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। जयंत सिन्हा पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। बीजेपी के पावर ब्रांड नेता उमा भारती को भी नई सरकार में जगह नहीं मिली। पिछली सरकार में उमा भारती केंद्रीय मंत्री थी। पिछली सरकार में मनोज सिन्हा मंत्री थे और गाजीपुर से चुनकर आए थे, लेकिन इस बार मनोज सिन्हा चुनाव हार गए, लेकिन उम्मीद थी कि उन्हें हार के बावजूद मोदी सरकार में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर लालू यादव की बेटी मीसा भारती को हराने वाले रामकृपाल यादव को इस बार मंत्री नहीं बनाया गया। पिछली सरकार में रामकृपाल यादव केंद्रीय मंत्री थे। उत्तर कन्नड़ लोकसभा सीट पर बीजेपी का परचम लहराने वाले अनंत कुमार हेगड़े को इस बार मंत्री पद से नहीं नवाजा गया। अनंत कुमार हेगड़े मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री थे। हेगड़े हमेशा से अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। शिव प्रताप शुक्ला से बीजेपी के बड़े नेताओं जो गिने जाते थे, पिछली सरकार में शिव प्रताप शुक्ल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री थे, लेकिन इस बार इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। मोदी सरकार 2.0 की आज पहली कैबिनेट बैठक का सूत्रों के मुताबिक सरकार पहले फैसले में किसानों को तोहफा देने जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के सभी किसानों को आर्थिक सहायता देने पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इस योजना की घोषणा सरकार ने पिछले कार्यकाल के अंतिम बजट में की थी। इसे लागू किया जा चुका है और पहली किश्त 2.25 करोड़ से अधिक किसानों को मिल भी चुकी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की हार के बाद अमेठी को बेहद चर्चा में लाने वाले सुरेंद्र सिंह हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त वसीम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुठभेड़ में वसीम के पैर में गोली लगी है, जामो CHC में उसका इलाज जारी है। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बेहद करीबी और लोकसभा चुनाव में काफी सक्रिय सुरेंद्र सिंह की 25 मई को देर रात उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने शोपियां के सुगन इलाके के घनाट गांव में हिजबुल और लश्कर के कमांडरों को घेरा था। बताया जा रहा है कि सेना CRPF और पुलिस मिलकर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही हैं। इसके साथ आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। इससे पहले गुरुवार को बारामूला जिले के सोपोर में आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी। डांगेरपोरा इलाके के बुनपोरा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया था। चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, जहां तंवर ने पीएम मोदी को दोबारा पीएम बनने पर बधाई देते हुए कहा कि मोदी जी ने एक और कार्यकाल की मांग की थी, अब जनता ने उन्हें 10 साल दिए हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस की हार पर कहा कि हमने भले ही कोई सीट नहीं जीती हो, लेकिन पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं।
वहीं उन्होंने विधानसभा चुनाव में सड़क पर उतरने और लोगों का विश्वास जीतने की बात कही। साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि यह हार की जिम्मेवारी पूरे संगठन की है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद जेजेपी ने भी हार के कारणों पर मंथन करना शुरू किया। पार्टी नेतृत्व दुष्यंत चौटाला ने कहा यह चुनाव पूरी तरह से प्रेसिडेंशियल चुनाव के तौर पर लड़ा गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर वजूद में आई जननायक जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में कोई सफलता नहीं मिली। पार्टी नेता दुष्यंत चौटाला खुद हिसार से अपनी सीट गंवा बैठे। जेजेपी अपनी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल लोकदल से 3 गुना ज्यादा वोट शेयर मिलने से उत्साहित है। वहीं नेहलो के साथ फिर से गठबंधन बनाने के सवाल पर बोलते हुए कहा कि नेहलो से गठबंधन का कोई सवाल नहीं उठता, हम अलग पथ पर निकल चुके हैं। साथ ही विधानसभा की रणनीति बनाने की बात कही। इधर राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने करनाल का दौरा किया। इस दौरान कर्णदेव कंबोज ने लोगों की समस्याओं को सुना। वही मीडिया से बातचीत करते हुए कंबोज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का हरियाणा में सफाया हो चुका है। वही टीवी चैनल पर जाने से रोकने पर कंबोज ने कहा कि कांग्रेस के पास हमारी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं। इस दौरान कर्णदेव कंबोज ने विधानसभा चुनाव में 70+ सीट जीतने का दावा किया है। पंचकुला में एजुएल प्लॉट आवंटन मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी सीबीआई कोर्ट में शामिल हुए। वहीं मामले में आरोपी मोतीलाल वोरा की उनकी याचिका लगाई गई, उसको मंजूर किया गया। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई अब 12 जुलाई को होगी, जिससे पहले सीबीआई को बचे हुए दस्तावेज बचाव पक्ष को सौंपने होंगे। आज देश भर में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर कैथल के नागरिक अस्पताल में उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने तंबाकू निषेध दिवस को लेकर जागरूकता रैली निकाली। इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कहा कि कैथल के लोगों को मैं ये शपथ लेने के लिए कहती हूं कि हम तंबाकू बीड़ी का इस्तेमाल ना तो करेंगे और ना ही करने देंगे। डॉक्टर प्रियंका सोनी ने यह भी कहा कि अपने आसपास कोई भी बीड़ी सिगरेट का सेवन करता हुआ मिले तो उसे तुरंत रोकें। आजकल धूम्रपान की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, जो बार बार इलाज के बाद भी ठीक नहीं होती। सफेदों के 32 दुकानदारों पर प्रशासन के आदेश पहाड़ बनकर टूट पड़े। दरअसल प्रशासन ने 30 साल से बीडीपीओ प्रांगण में बनी दुकानों को खाली करवाने के आदेश दे दिए हैं। प्रशासन ने दुकानों को खाली करने के आदेश दिए, जिसके बाद से ही इन दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं दुकानदारों ने प्रशासन से इस फैसले को वापस लेने की गुहार लगाई। हालांकि इस मामले में ब्लॉक समिति चेयरमैन राकेश शर्मा का कहना है कि जिन दुकानदारों के किराए पिछले कई सालों से पेंडिंग हैं, सिर्फ उन्हें ही दुकानें खाली करने के आदेश दिए गए हैं। जहां एक तरफ सरकार शिक्षा में सुधार के लिए नए नए नियम और कानून बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर खुलेआम झजारा स्कूल के अध्यापक इस नियम की धज्जियां उड़ाते नजर आए। बता दें कि झजारा स्कूल के अध्यापकों ने बच्चों की 11वीं क्लास के पेपर चेक भी किए नहीं और बच्चों को 12वीं क्लास में पढ़ाना शुरू कर दिया। जब इस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल ब्रिजेंद्र राणा से बातचीत की गई, तो प्रिंसिपल कैमरे के सामने इस बात को झूठा करार दे दिया। वहीं शिक्षा अधिकारी रामफल धनखड़ ने इस मुद्दे को सख्ती से लेते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो आपको स्कूल प्रबंधन पर पूरा भरोसा होगा कि आपके बच्चे स्कूल में सुरक्षित हैं, लेकिन बल्लभ करके स्कूल चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी, यहाँ पर बच्चे सुरक्षित नहीं। दरअसल हरियाणा न्यूज की टीम ने बल्लभगढ़ के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का जायजा लिया, तो ये सामने आया कि ना तो स्कूलों में कोई सेफ्टी उपकरण है और ना ही बच्चों की सेफ्टी के लिए कोई इंतजाम। स्कूलों की बिल्डिंग भी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। दादरी के चंपापुरी कॉलोनी में सीवरों की सफाई न होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं।
हालांकि कुछ महीने पहले ही बनी गली आज सीवर की लीकेज के वजह से 4 से 5 फुट नीचे धंस गई है, जिससे गली में आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत अधिकारियों को दी गई है, लेकिन अब तक उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। सोहाना में पीने के पानी के 2 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसका परिणाम फेल आया। सैंपल फेल होने से एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों में भी डर बैठा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग उपमंडल अधिकारी को सचेत करते हुए एक पत्र लिखकर गंभीर चिंता प्रकट की। पत्र में लिखा गया है कि इसी महीने 20 तारीख को तुलसी नगर से 2 सैंपल लिए गए थे, दोनों ही सैंपल फेल पाए गए। इससे बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि अगर इसकी वजह से कोई बीमारी फैलती है तो प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। प्रदेश में आए दिन डॉक्टरों की लापरवाही की खबर सामने आती है। वहीं ताजा मामला कैथल से सामने आया, जहां पर डिलीवरी के समय जच्चा की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि डिलीवरी के लिए कैथल के कस्बे कलायत के सरकारी अस्पताल में लेकर गए थे, बच्चा तो सुरक्षित हो गया। वहीं इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, उन्होंने उसको फिर कैथल के प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया। उसकी मौत सिविल अस्पताल में हो चुकी थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। केजीपी एक्सप्रेस वे का निर्धारित से कम समय में निर्माण कराकर अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन जीटी रोड के चौड़ीकरण का काम निर्धारित समय के अंदर केवल 40% तक हो सका है। जीटी रोड को दिल्ली से पानीपत तक 6 लेन से 12 लेन कराने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास कराकर एनएचएआई के निर्माण कार्य कराने में रुचि नहीं दिखाई। इस कारण ही चौड़ीकरण की निर्धारित समय अवधि अप्रैल 2019 निकल गई और नेशनल हाईवे की हालत पहले से ज्यादा बदतर करके छोड़ दी गई है। नेशनल हाईवे को खोदकर छोड़ दिया गया, जिससे उसे पार करने में वाहन चालकों और ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, तो इसका निर्माण कार्य भी पूरा होता नहीं दिख रहा। नशा मुक्ति केंद्र जहां लोगों को नशे से दूर रखने के लिए प्रेरित किया जाता है, वहीं कालका के नशा मुक्ति केंद्र में कुछ और ही नजारा देखने को मिला, जहां लोगों को नशा छुड़ाने के नाम पर उन्हें बंदी बनाया गया। साथ ही उन्हें शारीरिक मानसिक तरीके से प्रताड़ित भी किया गया, जो सरासर गैर कानूनी है। जानकारी के मुताबिक इस केंद्र को अवैध तरीके से चलाया जा रहा था, जहां पीड़ितों के परिजनों ने से नशा छुड़वाने के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। वही मामले में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने बताया कि इस केंद्र को अवैध रूप से होम वेलफेयर सोसाइटी के नाम से चलाया जा रहा था। प्रदेश में नाबालिग लड़कियों के साथ घिनौने अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। मामला गोहाना से, जहां पर नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोस के युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, फिलहाल पुलिस ने लड़की के बयान पर आरोपी युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 29 मई को हुई एक विवाहिता की हत्या के मामले में आज एक नया मोड़ सामने आया है। मृतका के परिजनों ने शुक्रवार को रेवाड़ी कोसली तहसील के सामने रेवाड़ी कोसली सड़क मार्ग को जाम कर दिया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई। बता दें कि बीती 29 मई को चरकी दादरी के गांव रानीला में 24 वर्षीय नामिका का शव उसी के ससुराल से बरामद किया गया था। परिजनों ने दहेज के लालच में मृतका की हत्या करने का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया और अब कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीआईए और लोहारू पुलिस ने अपहरण की एक वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से भारी मात्रा में असलाह भी बरामद किया है। बता दें कि ये गैंग रेवाड़ी में अनेक वारदातों को अंजाम दे चुका है। कुछ समय पहले इसी गैंग के बीच रेवाड़ी में दूसरी गैंग के साथ भी बहस हुई थी, जिसमें सरेआम गोलियां भी चलाई गई थी।
और इसी के साथ सुपरफास्ट 100 में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।